लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ओम प्रकाश राजभर के सुर एक बार फिर बदलते हुए दिख रहे हैं। जहां पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात को देखकर बीजेपी से उनकी नजदीकियां दिख रही थी, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर का एक नया बयान सामने आया है। दरअसल सुबह सपा के मुखिया ओपी राजभर ने कहा है कि बीजेपी से गठबंधन की कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है दिल्ली में सरकार नहीं बनानी सरकार। जी हां, सुबह सपा के मुखिया ओपी राजभर ने सपा बसपा कांग्रेस जेडीयू लोकदल के एक साथ आने को प्राथमिकता बताई है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन में आने की रजामंदी भी जाहिर की है। तो ये बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से सामने आती हुई दिख रही है। दरअसल बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों पर सुबह सपा ओम प्रकाश राजभर का अब एक बड़ा बयान सामने आया है। वाराणसी सर्किट हाउस में इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात को सुबह सपा प्रमुख ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक ही जगह रुके थे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। दिल्ली में बीजेपी के आला कमान के साथ बैठक पर उन्होंने कहा कि ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही होगा। बीजेपी और सुबह सपा के बीच गठबंधन में सीट बंटवारे पर ओपी राजभर ने शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि यूपी में 8 लोकसभा सीट सुबह सपा को चाहिए। सुबह सपा प्रमुख ने कहा कि पूर्वांचल की 32 लोकसभा सीटों पर 50,000 से लेकर 2,00,000 तक राजभर समुदाय के वोटर हैं। गठबंधन से दोनों दलों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी से गठबंधन की कोई बात नहीं है। ओपी राजभर ने बताया कि सपा बसपा कांग्रेस जेडीयू और लोकदल के एक साथ आने को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन में आने पर रजामंदी जाहिर की है, ऐसा नहीं होने पर दूसरा विकल्प भी तैयार हो रहा है। उन्होंने एक और गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सुबह सपा को दिल्ली में सरकार नहीं बनानी है, प्रभाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में जरूर चाहते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर ओपी राजभर ने कहा कि 29 दल हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओपी राजभर विवाद का मुद्दा नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि 10-15 दिनों के बाद चर्चा खत्म हो जाती है। 6 साल में 200 से अधिक विवादित मुद्दे आए। विपक्ष को यूसीसी से समस्या होने पर एकजुट हो जाना चाहिए। बीजेपी को दोष देने से पहले विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चलाई है। रक्षा मंत्रालय पद समाजवादी पार्टी के खाते में रहा। आज कांग्रेस की सरकार बनाने पर सपा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय मांगेगी। बीजेपी के समर्थन से सपा की सरकार नहीं बनी। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या ऐसा कभी नहीं हुआ है? क्या बसपा ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई है? 4 बार सपा बसपा को सत्ता मिली, 40 साल कांग्रेस सत्ता में रही। क्या वजह है कि जनता ने नकार दिया? उस पर नहीं सोचा जा रहा है। विपक्ष को राजभर की बातें कड़वी लगती हैं। तो बड़ी बात ओम प्रकाश राजभर ने कही है, जहां उन्होंने यह साफ किया है कि अभी बीजेपी गठबंधन से उनकी कोई बात नहीं चल रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात को भी नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि वो सर्किट हाउस में एक साथ थे लेकिन उनके बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। तो देखना होगा ओपी राजभर आगे कौन सा नया सियासी दाव चलने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।